हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारी टूरिंग होने वाली है अमरकंटक के लिए, और प्लाटिना के साथ। देखो ना, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और पीछे हमारे जयनंदन जी बैठे हुए हैं। तो हमने बहुत दिनों हुआ कि काफ़ी दिन प्लान था कि अभी जाना है अमरकंटक, और आज संडे तो आज निकल रहा हूँ। टाइमिंग हो रहा है 12:30 के आसपास, है ना। तो अभी रोड का मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा व्यू है, आपको लगेगा कि क्या शानदार व्यू है ना। तो एक बार जय सर हाय बोलिए ना सभी लोग के लिए। स्माइल नहीं करेंगे है ना, तो दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से देखो, ये रोड है ना, सामने पूरी पहाड़ है, घाटे स्टार्ट है। अभी यहाँ पे तो कम घाट मिलेंगे, यहाँ पे भी टोटल पूरा शानदार ही व्यू मिलेगा। बाकी अभी मैं कुछ दूर आपसे आगे दिखा रहा हूँ क्या व्यू है, आपको बहुत ही लाजवाब व्यू है। रोड का कंडीशन है, गेट आए थे, गेट तो काफ़ी बहुत सारे बने हुए हैं। ज़्यादा भी स्पीड में नहीं चल रहा, छोटे के स्पीड में चल रहा हूँ गाड़ी। ये अमरकंटक रोड है, यानी जबलपुर वाला मेन रोड है। हाईवे है, अभी फोर लेन का हाईवे नहीं बना है, और निर्माण किया मतलब सर्वे हो गया चलने के लिए पूरा रोड। तो ऐसे ही रूट से जाते हैं आते हैं अमरकंटक, यानी इसी रूट से छत्तीसगढ़ है बॉर्डर। अमरकंटक जाने के लिए छत्तीसगढ़ का जो मेन सीमा है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरा गेट दिख रहा है। ये गेट तो अभी कुछ नहीं, आगे दिखाऊंगा एक बहुत ही शानदार आपको गेट तो होगी। वाह कितना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन नेचर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे एक गोरखपुर और है ना। तो जैसा कि गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश में जिला है, तो यहाँ पे एक गोरखपुर जिला है, जबलपुर में एक गोरखपुर है। गोरखपुर में 2-3 गोरखपुर पड़े जाते हैं, यहाँ से सागर टोला 6 किलोमीटर है ना। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन है, हरियाली है, हरियाली बहुत ही मज़ा आता है। ये आपको हम मिरर में दिखाते हैं कुछ अलग ही, तो मिरर का बैकग्राउंड पेड़ है पुराने उकड़ जाते हैं, फिर न्यू लगते हैं, न्यू में समय लगता है। तो क्या है कि अभी ये देखो यहाँ पे वही अनवे आना और जाना एक ही होता है, ताकि बस ट्रैवल से गया है। बहुत ही शानदार है, छत्तीसगढ़ का बस चल रहा है, तो मैंने ओवरटेक कर दिया। ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, ये रास्ता जो है सीधे सीधे यहाँ से जो चौराहा है, चौराहे से एक रीवा निकल जाता है, शैडोल निकल जाता है इधर अमरकंटक, और इधर ही छत्तीसगढ़ स्ट्रीट जाते हो, और जो राइट साइड में है, राइट साइड में इधर गांव की तरफ निकल जाता है ना, यही रास्ता है वो। तो अभी हम गाड़ा सराय क्षेत्र में पहुँच गए, और ये देखिए पूरा लकड़ी का यहाँ पे वन जो एकत्रित करके रखा जाता है, यानी वन विभाग से संबंधित है ना। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, गाड़ासराय से गोरखपुर 6 किलोमीटर है, गोरखपुर से लगभग मान के चले 20 से 25 किलोमीटर और टोटल है। मतलब ये यानी डिंडौरी से मेरा 90 किलोमीटर पड़ जाता है, 88, लेकिन इधर उधर घूमने में 90 किलोमीटर पड़ ही जाता है ना। तो वहाँ से
चंदौरी से है अमरकंटक की दूरी 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। और ये देखिए टोटल क्या है, लकड़ियाँ यहाँ पे रखा गया है ना, तो अच्छा तो लग ही रहा है। पीछे देखिए पहाड़ भी है। अब आपको पता ही होगा कि पहाड़ कैसा है, यहाँ पे पहाड़ ऐसा ही है, इससे बड़ा भी है, इसको आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो और अच्छा अच्छा पॉइंट आपको दिखाएंगे। और वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो शायद अच्छा वीडियो नहीं देख पाओगे, अच्छा पॉइंट नहीं देख पाओगे। तो यहाँ से अमरकंटक अभी 53 किलोमीटर है, डिस्प्ले में देखा था वही मैं बता रहा हूँ। तो इससे अमरकंटक जाने से पहले मैं 3 बार जा चुका हूँ और आज मैं बाइक से जा रहा हूँ। इससे पहले तीन बार मैं कार से गया हूँ। क्या है, कार में और वो बाइक से जाने में एक मज़ा ही आता है कि बाइक से पूरा खुला खुला रहता है, सब कुछ दिखता है। कार में क्या रहता है, पूरा बंद रहता है, पूरा बंद होने की वजह से मज़ा नहीं आता है ना। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है, एकदम प्रकृति का सुंदरता एकदम मन को लुभा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है ना यहाँ से। अब क्या है, कैमरे में दिखाने में और दूर बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे यहाँ सड़क से मान के चले 300 से 400 मीटर है, और कितना अद्भुत लग रहा है ना, बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है। और पूरी तरह से हरियाली है। तो आपको भी पता होगा कि अगर आप लोग देख रहे होगे मेरा वीडियो, आप लोग का भी मन करता होगा यार मैं भी जाऊँ, मैं भी घूमूँ। ज़रूरी नहीं, देखो टाइम मिले तो अच्छा है, विजिट करो। वैसे भी मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत शहर है, जितना कि शब्द में ये नहीं कह सकता, ये आप आके देखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैं जो बोलता हूँ वास्तव में है बस, है ना। कहने का मतलब ये है कि अच्छा तो लगता ही है, लेकिन क्या है कि जो पर्सन नहीं आ पाता है, कम से कम वीडियो देखेगा तो वीडियो देखने के बाद कुछ उसको फील होगा कि यार वास्तव में। उस टाइम मैं और मेरे सर जयनंदन जी दोनों लोग बाइक पर बैठे हुए अच्छे पॉइंट्स मिलेगा आपको, जो कि वीडियो में आप देखोगे और अच्छा लगेगा। तो ये नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है ना। जैसा कि अब आप पॉइंट्स देखोगे, आगे पॉइंट्स क्या हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलेंगे। अभी तो ये रोड का है और अभी यहाँ घाट नहीं है, घाट अभी आगे मिलेगा है ना। तो रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे जो कि आपको नेचुरल से संबंधित, तो दिल खुश हो जाएगा अगर पूरा वीडियो देखोगे। अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं 50+ चल रही है, अब ज़्यादा ज़्यादा स्पीड होगी क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा धीरे धीरे चलने में, और अच्छे से चल रही है आग रही है। गाना भी चल रहा, वीडियो भी चल रहा, मैंने कुछ किया, गाना चलने लगा कॉलर ट्यून का, वही मैंने देखा, वीडियो भी बन रहा कॉलर ट्यून में चल रहा गाना, अरे हेडफोन में लगा के ना, तो ले गाना भी चल रहा। मैंने कहा वाह क्या अद्भुत नज़ारा, आप देखोगे इधर साइड में वंडरफुल मस्त पूरी तरह से है ना। ये देखो व्यू कितना बेहतरीन, अभी दिखा रहा हूँ पहाड़ क्या है, पहाड़ वाले में थोड़ा सा है ना। अब ये देखो क्या, ये इतना बढ़िया गेट लगता है कि दिल पूरी तरह से खुश हो जाता है। वंडरफुल भैया, बहुत ही अद्भुत।
चलिए। करंजिया 12 किलोमीटर, करंजिया से 20 के आसपास यहाँ है टोटल जो है, अमरकंटक यहाँ से 30 किलोमीटर और रह गया है। और जब मैंने आपसे बोला था तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि सिटी ही है। ये देखो कैसा लग रहा है, एकदम हरियाली आ गई, हरियाली। अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता हूँ, चलाने में मज़ा तो आती है। मुझे ऐसे आई फील हो रहा है कि वही है, चेक पोस्ट बनाया गया है बॉर्डर का, ये है एमपी। मैंने आपको ये बात बताया वो यही है, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जाती है वो सब क्या करते हैं, ये वही है। लेकिन मेरे को क्या, मेरे को स्टेट निकल जाऊँगा है ना, यहाँ से जाने से कोई मतलब नहीं है, टू व्हीलर तो आराम से निकल जाता है। वो एक्चुअली क्या फोर व्हीलर के लिए है, जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी उन से क्या है वो चेक करके जाते हैं, यही है यहाँ से गाड़ियाँ चेक होती है, टोल देना पड़ता है, उसके बाद जाए मेरे को बेनिफिट मिल गया, नहीं वहाँ पर भी जाना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है। ब्रेकर तो नहीं है, हल्का ब्रेकर है, टूट जाएगी। बाइक में यही मज़ा आता है कि कितना है जाना सारी चीज़ है, उसके साथ साथ सीख निकल आया, ब्रेक ब्रेकर और आ गया, वाह धन्यवाद। तो ये करंजिया का पॉइंट है, करंजिया देखिए पूरा पहाड़ दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या है टोटल वन, मतलब क्या है वन की कटिंग होती है यहाँ पे, डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का, तो यहाँ लकड़ियाँ पूरी एकत्रित किया जाता है ना। तो इस टाइम अभी मैं रुका हूँ, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कहाँ के लिए ज़्यादा दूर नहीं है पता है ना आप लोग को, या नहीं अमरकंटक के लिए है ना। कितने शानदार पॉइंट्स लग रहे हैं,
शानदार लग रहा आपको। अमरकंटक यहाँ से 18 किलोमीटर लिख भी दिया गया, स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से होना चाहिए, है ना। वैसे शानदार है ही, और ये अमरकंटक वास्तव में बहुत ही अच्छा प्लेस है। जितना कि वीडियो के साथ साथ अगर आप आके यहाँ देखो, प्रकृति का इंदौर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ से जाऊँगा सबसे पहले कपिल धारा, छोटा सा झरना है, और उसके बाद ये, अब ये देखो टोटल एक दूसरे में आपस में ये पेड़ घुस मतलब टच हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे गेट के अंदर मैं जा रहा हूँ, लग नहीं रहा, महसूस हो रहा है पूरी तरह से एक दूसरे से अटैचमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं अब आ गया हूँ पूरा गेट में, और यहाँ पे मुझे ठंडा लग रहा है ना, और आज मैं लोफर वाला स्टाइल में कपड़े पहना हुआ है, टी शर्ट और बटन खोल के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अब देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से जन्नत है भाई, जन्नत है ना। तो ये करंजिया का पॉइंट से, करंजिया जो मैंने आपसे बोला भी था, करंजिया यही है। और करंजिया एक्चुअली क्या, वहाँ पे सिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, मैंने वीडियो में दिखाया ना, वीडियो क्या वो सिटी नहीं है, टाउन है, एज ए टाउन तहसील समझ लो, है ना। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखो आ गई, अभी थोड़ी देर बाद आपको नर्मदा जी का लगेगा, नदी भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ से वो है। और ये कंक्रीट पुलिया है, ये गाड़ी को संभाल के चलना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो, क्योंकि क्या शेयर करोगे तभी दूसरे लोग के पास जाएगा और वो अच्छे से और देखेंगे वीडियो, है ना। सारे चीज़ है, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ही आलिस ना लग रहा, ठंडे ठंडे फ्री होने की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये देखो पूरा जंगल कितना
घना लग रहा है। वैसे मध्य प्रदेश जो बनो वाला राज्य यानी जंगलों वाला राज्य बहुत ही अच्छा है। और अब रास्ते में मछली भी मिलेंगे है ना, जैसे भी बैठा भी है ढेर सारा, बहुत सारा मिलता है तो अच्छा तो लग ही रहा है। और इस मतलब यहाँ पे जो मैं आया हूँ मुझे को ठंडा भी लग रहा है पैर में हाथ में, क्योंकि क्या यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है। करंजिया के बाद जस्ट आ जाता है अमरकंटक और इसी के जस्ट लग जाता है छत्तीसगढ़ राज्य है ना। तो क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा कपिलधारा, कपिलधारा के बाद माई का बगिया, माई के बगिया बाद से चलता हूँ थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगा, जगतपुर वन विभाग ग्रेस। कितना बढ़िया लग रहा है यार, पीछे का बैकग्राउंड देख लो आप लोग, कितना बेहतरीन लग रहा है ना। और उसके साथ साथ ये पूरा पूरा नेचर, वाह यार वाह, मानना पड़ेगा भाई, अच्छा लग रहा है। यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है मेन जंगल है ना, आप लोग तो देख रहे होगे पूरा जंगल ही जंगल है। और ये देख रहे हो अद्भुत है, पूरी तरह से सुंदर है। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये जो अमरकंटक है टोटल ऐसे ही है ना, तो आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि क्या मोड़ है, क्या कहते हैं, कितना अच्छा पॉइंट है। मैंने आपको जो बोला था कि देखने लायक यही सारे चीज़ है, क्योंकि पूरा पूरा नेचुरल प्रकृति का सुंदरता जैसे है ना, टोटल बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है, अभी अभी के समय बारिश नहीं हुआ, बारिश हो के पता नहीं हो गया हो, और आप देख रहे हो पूरा पूरा ये जो बता रहा था यही है अमरकंटक। मैं अब एंटर कर चुका हूँ अमरकंटक के एरिया में, कबीरी चबूतरा 4 किलोमीटर यहाँ से है, और यहीं से जस्ट छत्तीसगढ़ लग जाता है सीमा है ना। जैसा कि मैंने बोला था अभी हमारे होमो सैपियंस सैपियंस है ना, यानी मंकी ये जो है मिले जाएंगे। तो पूरी पूरी तरह से जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ से पूरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा, वॉकिंग किए वो डिजर्ट जो भी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। अब ये घाट है तो आप देख रहे हो इधर वाला जो साइड में तो बहुत गहरा है ना। उसके साथ साथ भी क्या है कि वीडियो तो आप में देख ही जाता है, कुछ क्लियर दिखता है, कुछ कम दिखता है ना। ये देखो टोटल, बड़ी गाड़ियाँ छोटी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, और आते के साथ साथ देख लो कितना अच्छा लग रहा है। डोंट वरी सर, आप चिंता मत करो, ईश्वर की दुआ से दया से सब सही रहेगा। अब एक्चुअली यह मेरे सर को अभी एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्टिवा से यानी सॉरी मेस्ट्रो से जा रहे थे, जबलपुर गिर गए ब्रेकर पे, उनको डर लग रहा है पूरी बॉप जब कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा माई डियर है ना। ये देख रहे हो पूरा तरह से, वाह यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और आज पूरा समय भी समाप्त हो जा रहा, पता भी नहीं चल रहा है ना। बाकी देख लो बैरियर लगा देने से क्या होता है, कोई भी अगर मान लो गिरता भी तो उसी पर रुक जाएगा। और ऐसे क्या होता है अगर ज़्यादा स्पीड में आया गाड़ी भी लेके, अगर गलती हुई तो सीधे सीधे 300-400 फीट नीचे चला जाएगा है ना। तो अभी मैं यहाँ से सीधे सीधे जाऊँगा पहले
कहाँ जाऊंगा? जय हनुमान जी महाराज जाऊंगा, कपिल धारा है ना। ये देखो तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, घूमने का मजा ही कुछ और आता है। सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने डाल पे बैठे हैं, तो बोलते हैं पोजीशन लेकर कोई उधर तो कोई उधर, लग रहा बाप रे बाप। चलो बाकी आगे मिलते हैं। तो पूरी तरह से हम जंगलों के बीच में हैं और ऐसा हमें लग रहा नज़ारा कहीं आप लोग देखे नहीं मिले, और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा पेड़ वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं यहाँ पे आकर वीडियो बना रहा हूँ और आके यहाँ पे देख रहा हूँ, वो वास्तव में बहुत ही आलीशान है। ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई, मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, अभी तो मेरा 4 या 5 भी बार, मेरे को एकदम दिल खुश हो गया था पूरी तरह से, है ना। पूरा पूरा यहाँ पे ठंडा लग रहा है, और हमें लग रहा है गर्मियों के दिनों में यहाँ पे भी आप आओ तो ठंडा ही लगेगा, कारण क्या है, ऐसा ठंडा ही मौसम है यहाँ पे। वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर ठोक दिया करो, उससे क्या होता है कि पता चलता है कितने लोग को अच्छा लगता है, कितने लोग को ख़राब लगता है। बाकी मैं इतना कहूँगा, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, उल्टा सीधा कमेंट मत किया करो, उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं फील होता यार, है ना। बाकी आपको अच्छा सुझाव देना हो, ये लगता है कि नहीं वीडियो बनाते वक्त ये सारी चीज़ करना चाहिए, देन आप बता सकते हो, मैं उसको अगली फोकस करूँगा उस पर। तो चलते हैं कपिल धारा में डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। तो अब मैं अमरकंटक में इंटर कर चुका हूँ, और उसके बाद जो है अब यहाँ से मैं सीधे जा रहा हूँ कपिल धारा। कपिल धारा पास ही में है, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगा कैसे क्या है कपिल धारा में। हो सकता है तो फेसबुक पे भी लाइक चलाऊँगा, नेटवर्क पे लाइक चलाऊँगा। देख लो आपको पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, पेड़ ऐसे लग रहा है जिससे लग रहा है कि फल वाले हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, करीब जाने पे पता चलेगा। और ये देखो पूरा पूरा बहुत ही आलीशान लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। सब नहीं है भाई साहब इतना कहने के लिए जो ये है, इतना मरकटा खूबसूरत है ना। और बस कुछ ही दूर में है, मैं गाड़ी पार्क करूँगा या फिर गाड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ फोर व्हीलर में यहाँ से जब मैं कार से आया था देख के, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कराया था, और वहाँ के साथ कपिल धारा जाने के लिए बाइक है अलाउ है या नहीं है, वॉकिंग कराता है, पैदल जाना होगा, पैदल पार्क करने के बाद मैं निकलूँगा कपिल धारा के लिए। ये जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हो सब टोटल घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई फैमिली के साथ, तो सारी चीज़ है। बाकी बहुत ही अच्छा पॉइंट लग रहा है, देखते हैं अगर जियो का टावर रहेगा तो फिर मैं लाइव चलाऊंगा फेसबुक पे। बहुत दिनों बाद विचार किया हूँ, जैसा कि मैं कपिल धारा पहुँच ही गया हूँ फाइनली, अप्रॉक्स 500 मीटर और होगा। पुरानी याद याद आ रही, जब मॉर्निंग में आया था यहीं पर मैं ब्रश भी किया था बिस्लरी के बॉटल लेकर, है ना। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे छोटा सा है अमरकंटक, क्या होटल तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन क्या जैसे आप ओयो से आते हैं वो माता है ही नहीं, और ड्राइवर वो भी नहीं है, मेक माई ट्रिप वो भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नॉर्मल होटल मिल जाएगा। चूँकि क्या है, इन लोग जो ऑनलाइन बुकिंग्स रहती है उसमें क्या होता है, कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता है ना, लेकिन वही चीज़ अगर देखा जाए ओयो के माध्यम से तो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जनरली अगर वो सारे चीज़ नॉर्मल होटल में वही 1000 रुपये मान के चलिए लिविंग के लिए एक दिन के लिए 24 आवर, चेकआउट चेक इन 12 से 11 का टाइमिंग रहता है,
तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे। सर है यहाँ पे अपना वो मुंह साफ कर रहे हैं, है ना, और मैं यहाँ पे पहुँच गया कपिल धारा में। अब मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी भी अपनी देखी, यहाँ पे पार्किंग कर दिया, ढेर सारी यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ, पब्लिक की गाड़ियाँ हैं। उसके बाद अब जा रहा हूँ, ठीक है, फिर चलते हैं, दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है कपिल धारा, सॉरी कपिल धारा नहीं, कपिल धारा जाने का रास्ता है। और ऐसे पब्लिक देखो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस टाइम मैं भी जा रहा हूँ, काफ़ी पब्लिक आ रहे हैं जा रहे हैं, होने की वजह से मज़ा तो खूब आ रहा है। लेकिन अभी दिखाता हूँ आपको वास्तव में नेचर क्या है, क्या पानी भरा होने की वजह से है ना, काफ़ी लोग जा रहे हैं। पानी यही है वो पानी, क्योंकि कपिल धारा में बदल जाता है और काफ़ी धूप नीचे से गिरने की वजह से और अच्छा खूबसूरत लगता है ना देखने में। जहाँ तक मैं भी चल ही रहा हूँ, अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद छोटा छोटा मंकी देखो अपने बच्चों को कैसे बैठा है ना। तो ये इधर से इधर जाने के लिए मैं भी इधर जा रहा हूँ, है ना। तो आ गया कपिल धारा, और कपिल धारा के अंदर अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो, कुछ अपनी फ़ोटो भी निकालूंगा यहाँ से, है ना। तो तब तक के लिए कितना शानदार पानी लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है ना। ये ऐसे जाया जाता, लेकिन मैं अभी नीचे नहीं जाऊँगा, मैं भी ऊपर से जा रहा हूँ, है ना। एकदम कुदरत का देख रहे हो करिश्मा क्या है, इतना कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ कपिल धारा। कपिल धारा पहुँचने के बाद ये देखो पॉइंट्स हैं, और ये देखो यहाँ पे पब्लिक है जो कि नहा रहे हैं। ये पानी ऐसे गिरता है, ऐसे पानी को पूरा छींके निकल जाते हैं ना। ये देखो लोग नहा रहे हैं, जूम करने पे पूरा पूरा दिख रहा होगा आपको। सर कैसा फील हो रहा है, एक फोटो ले लो मेरे, आपकी तो मैं फ़ोटो निकालूंगा, पर ये कैसा फील हो रहा है बोलो तो बताओ ना, कैसा फील हो रहा है। ये पूरी तरह से एकदम यही पानी गिरता है, और पानी गिरने के बाद देख रहे हो लोग कैसे फोटो निकाल रहा हूँ। अब मैं हूँ हेलमेट पहना हूँ, एक्चुअली क्या हेलमेट इसलिए पहना हूँ, गाड़ी पे रखूँगा तो कोई उठा ले जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ ऐसे ही रहता है, ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये देखो तो अब कपिल धारा जाने के बाद जो है, फिर यहाँ से माइक का बगिया जाऊँगा, माइक का बगिया जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ। जय सर, जय हिंद बोलो, वीडियो में आ रहे हो, अपना स्पीच दो, कैसा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ देख रही है, यही है कपिल धारा, कितना आलीशान। अब यहाँ पे फेसबुक पे लाइव चलाना चाहते थे, लेकिन क्या है कि लाइव चल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे टावर नहीं है, कोई भी टावर नहीं है ना। थोड़ा सा फ़ोटो निकालते फिर बात करते।